चूड़ा जिसमें फोटो बनी हुई है मेरी और मेरे हस्बैंड की एंड साइड में आपको ये ना मोटे वाले कड़े मिलते हैं। मुझे ये कड़े इतने पसंद है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये कुछ इस तरीके का चूड़ा है। सो ये बहुत ही सुंदर सा लगता है। इसमें मेरा नाम भी लिखा है अभिक्षा। आप चाहो तो कस्टमाइज करा सकते हो अपने नाम के अकॉर्डिंग। और ये इतना पुराना कड़ा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इतना पुराना चूड़ा हो गया इसको, आई गेस 1 साल से ज़्यादा हो गया। और ये अभी तक इसका एक भी नग नहीं निकला, नॉट इवन अ सिंगल नग, एक भी नग नहीं निकला। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी इस चूड़े की। मुझे जिन्होंने भेजा था, मैं उनका जो इंस्टा स्टोर का नाम है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। सो ये आपको एक हाथ का इतना मिलता है एंड अदर हाथ का इसमें मिल जाता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, एक भी नग नहीं गिरा। तो मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी, बिकॉज अगर चूड़े में ना नग गिर जाता है तो चूड़ा खराब हो जाता है, बिकॉज चूड़े की जो सुंदरता होती है ना वो उसके नग से ही होती है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चूड़ा, जो कि है ये ब्यूटीफुल सा चूड़ा। लुक एट द ब्यूटी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि इतना मैं आपको क्या बताऊँ, अद्भुत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही प्यारा कलेक्शन है मेरे पास। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, मतलब पार्ट 2 भी दिखाऊंगी इसका ज़रूर। सो ये है वो ब्यूटीफुल सा चूड़ा जिसमें सारे येलो, ग्रीन, पिंक ऐसे कलर के कलर्स लगे हुए हैं। मतलब ये ना आपकी किसी भी येलो, पिंक, ऑरेंज हर साड़ी पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसकी डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको क्लोज लुक दिखाती हूँ, आप देखो। सो येलो कलर का चूड़ा भी आप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ येलो के साथ पहनोगे, आप इसको किसी भी कलर की साड़ी के साथ पहन सकते हो जिसमें थोड़ा भी येलो का हिंट हो, तो ये सुंदर ही लगेगा, ये कभी भी खराब नहीं लगेगा। और अगर आप चूड़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप एक मल्टी कलर का चूड़ा भी ले सकते हो जो कि आपकी हर ड्रेस के साथ जाएगा, हर साड़ी के साथ जाएगा। और क्यों ना आपके साथ मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में शेयर कर देती हूँ इन्फॉर्मेशन, जो कि है ये 2 प्रोडक्ट। सो ये न्यूली लॉन्च है मामाअर्थ के, मामाअर्थ ने मुझे भेजे हैं। सो ये है मामाअर्थ का टी3 ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। द सेकंड वन इज मामाअर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। तो ये दोनों मॉइस्चराइजर हैं, एक है टी3 वाला, एक है विटामिन सी वाला। क्या इसकी खासियत है ये मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ। एंड मॉइस्चराइजर की नीड आएगी, सबको होती है। आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, आपको मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि स्किन को प्रॉपर नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मामाअर्थ के विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर के बारे में, जिसमें विटामिन सी है और गोटू कोला है। गोटू कोला भी है इसमें। ये 24 आवर तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा आपको, स्किन के एलिमिनेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और इनके जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो पैराबिन सिलिकन फ्री होते हैं, लाइट वेट फॉर्मूला होता है और ऑल स्किन टाइप होते हैं। मैं आपको ये विटामिन सी वाला लगा के दिखा देती हूँ। इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी और गोटू कोला। सो ये दोनों इंग्रेडिएंट इसमें मिले हुए हैं। आपको थोड़ा सा अमाउंट लेना है और इसको अपने फेस पे अच्छे से मसाज करना है। मेक श्योर कि आप अपना नेक भी कवर करो। और आप इसको मॉर्निंग में भी लगा सकते हो, नाइट में भी लगा सकते हो। सो फटाफट से जाइए चेकआउट करिए। काफ़ी अच्छा सा सिंपल सा सटल सा ग्लो आ गया है और ये तुरंत स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, जो कि है मामाअर्थ का टी3 ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। इसमें टी3 है और इसमें सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो माइल्ड एक्सफोलिएशन का काम करता है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन के टेक्स्चर को इंप्रूव करता है। ऑल्सो मामाअर्थ जो है वो एक इंडियन ब्रांड है, एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। दे रिसाइकिल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। उनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं, नेचुरल होते हैं। सो आप बिना किसी चिंता के, साइड इफेक्ट के आप उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो जो स्क्रीन पर विजिबल है। मामाअर्थ की वेबसाइट से शॉपिंग करने के लिए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और मामाअर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, सो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। उससे आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, जो भी सेल चल रही होगी, डिस्काउंट वगैरह होगा। और बाकी मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स जो है बहुत सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, मैं सब कुछ मैंशन कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करिएगा। जब भी आप कुछ छोटी सी छोटी चीज़ खरीदते हो मामाअर्थ से, वो आपका जो ऑर्डर होता है उसको लिंक कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे, जहाँ पर वो एक ट्री प्लांट कर रहे हैं और उसकी जो एग्जैक्ट जियो लोकेशन होती है, पिक्चर होती है, स्पीसीज वगैरह होते हैं, वो आपको भेज देते हैं। आपको सारी जानकारी उसके बारे में होती रहती है। तो इस तरीके से जब भी आप कुछ बाय करते हो आप इन्वायरमेंट में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चूड़ा, जो कि है मतलब ये वाला। ओके, मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही बेसिक सा चूड़ा, मतलब जिनको बहुत हैवी चीज़ें नहीं पसंद आती उनके लिए है ये चूड़ा। अब आप बोलोगे इतना हैवी तो है और कितना हैवी पहनना है। सो ये एक्चुअली 2 हाथ का है। सो ये है आपका 1 हाथ का चूड़ा एंड ये है आपका 1 दूसरे हाथ का चूड़ा। मतलब ये आपका पूरा 2 हाथ का चूड़ा यहाँ से अलग होगा। ये एक में राजा बना है, एक में रानी बनी। 1 हाथ में राजा को पहनना है, 1 हाथ में रानी को पहनना है। मुझे बहुत सुंदर लगा। स्पेशली इन चूड़ों की एक खासियत होती है कि इनका जो पीछे वाला ये कड़ा होता है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये ग्रीन, येलो, रेड, हर कलर का मेरे पास हो गया, तो मुझे बहुत पसंद है ये कलेक्ट करना। सो ये चूड़ा भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप देख सकते हो इसकी जो ब्यूटी है ना, ओ माई गॉड, बहुत ही सुंदर। एक एक जो कंगन लगा हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इन चूड़ों को पहने हुए मेरी जो भी फोटोज वगैरह होंगी ना, वो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी, साइड में लगाती जाऊंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है। अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चूड़ा, जो कि है मेरे पास ये वाला। ओके, सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल सा चूड़ा। ये मैंने जब पहना था तो इसकी बहुत तारीफ की थी आप लोगों ने। ओके, दिस ये ना यहाँ पर वेलवेट के ऊपर गोटा पट्टी का मतलब पूरी कढ़ाई जैसा हुआ है। बहुत ही सुंदर सा कड़ा, देखो आप ये वाला कड़ा ग्रीन, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है, काफ़ी यूनिक लग रहा है। मुझे ये चूड़ा बहुत पसंद आया। ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, अब शायद उस टाइम पे नहीं था। एंड इसकी एक चीज़ और दिखाती हूँ, वैसे तो सुंदर लग रहा है, इसकी एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, मतलब इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ, आपका दिल आ जाए, इतना प्यारा चूड़ा है। इसके नीचे ये जो लटक रहा है ना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये डिज़ाइन, और बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, सिंपल सोवर सा, बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा लग रहा है। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, तो आप जो कलर लेना चाहो ले सकते हो, बट ग्रीन मेरे हिसाब से सबसे सुंदर लग रहा था, तो मैंने ग्रीन लिया था। दिस इज सो गुड ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो ये वाला चूड़ा भी आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो चूड़ा मैं आपको बता रही हूँ, जो भी स्टोर का नाम वगैरह आपको बताऊंगी मैं। अगर आप चाहो तो आप चूड़े को कस्टमाइज भी करा सकते हो। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं चूड़े के, जो कि चूड़े को कस्टमाइज करा के आपकी पसंद के हिसाब से बनवा के देते हैं, तो आप वो वाली चीज़ भी देख सकते हो, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चूड़ा, जो कि है ये वाला, जो कि मैंने अभी रिसेंट में पहना था। दिस इज़ द हैवी वन, मतलब हैवी है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें एक एक डिटेलिंग बहुत ही खूबसूरत है। मतलब इसका ये रेड कड़ा देख रहे हो, ये बहुत अच्छा सुंदर सा है। इसके अलावा इसका ये ग्रीन कड़ा है, इसमें भी लटकने वाला बना हुआ है। तो ओवरऑल ना ये थोड़ा सा ब्राइडल चूड़ा लग रहा है। जैसे आपके यहाँ तीज है, करवा चौथ है, तो आप ये वाला चूड़ा पहन सकते हो, सुंदर लगेगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। मतलब सुंदर नहीं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके जो ग्रीन कलर का इसका लगा हुआ है कड़ा, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी डिटेलिंग। देखो आप, इस पर ना झुमकियाँ टाइप की लगी हुई हैं, तो इसकी ये डिटेलिंग बहुत ही सुंदर है। एक्चुअली कुछ कड़े ऐसे होते हैं जो कि आपको हर चूड़े में मिलेंगे, जस्ट लाइक दिस वन। ये जो कड़ा है, दिस इज़ द वेरी बेसिक वन, ये आपको हर चूड़े के आगे पीछे ज़रूर मिलेगा। सो ये आई गेस वो लोग रखते ही हैं, क्योंकि इसका ना थोड़ा हैवी लुक आता है। तो ये बहुत सुंदर सा चूड़ा है। इसको अभी आप तीज वगैरह के लिए ले सकते हो, करवा चौथ वगैरह के लिए, क्योंकि अभी आने वाला है तीज। तो अगर आपको चूड़े की शॉपिंग करनी है तो आप मेरी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो। मैं आपको बता दूँगी कि आपको कैसा चूड़ा लेना चाहिए। तो ये भी है एक अच्छा सा चूड़ा। इसका सेकंड वाला हाथ मैंने इसमें रखा हुआ है, तो क्योंकि ना चूड़े काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं, तो आपको उनको बहुत तरीके से रखना है। ऑल्सो उनके जो मोती वगैरह होते हैं वो ना निकलें, बहुत थोड़े डेलिकेट होते हैं, तो उनको बहुत हमेशा प्यार से, अच्छे से, कायदे से रखना चाहिए आप लोगों को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चूड़ा, जो कि है ये वाला। ओ माई गॉड, दिस इज सो प्रिटी, सो 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 प्रिटी, लुक एट दिस। बहुत ही सुंदर सा है। पिंक और ग्रीन का हिंट है इसमें, पिंक और ग्रीन का हिंट दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत सुंदर सा लग रहा है। इसमें दोनों लड़का लड़की दोनों बने हुए हैं, और इसका एक एक जो कड़ा है ना, वो शाइन कर रहा है। मतलब हर कड़े में जरकल लगी हुई है, मतलब सुंदर सा चमकने वाला ना, जो चमकते हैं चूड़े, वो वाले लग रहे हैं। तो आप ये वाला चूड़ा भी ले सकते हो अपने किसी भी फंक्शन के लिए, क्योंकि ये चूड़ा ना हाथों में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। मतलब मैं आपको अब दिखाई दे रही हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं ना पहनूँ ये चूड़ा, बहुत ही प्यारा सा लगेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, दिल खुश हो जाता है इसको पहन के। और ये चूड़े ना आपका पूरा हाथ भर देते हैं, आपको कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा ज़्यादा ही हो जाता है। आप चाहो तो ना कस्टमाइज़ करके कम ज़्यादा करवा सकते हो। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये चूड़ा भी। आप ये वाला चूड़ा भी ले सकते हो, इसमें ग्रीन और पिंक का हिंट है, तो आप इसको अपनी ग्रीन पिंक किसी भी साड़ी के साथ पहन सकते हो। चूड़े क्या होते हैं ना, देखो वर्सेटाइल होते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक ही कलर के साथ पहनो, मैं बार बार कह रही हूँ। आप चाहो तो इनको मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो, जैसे उसका कड़ा पसंद आ गया, उसका आगे वाला पसंद आ गया, उसकी बीच की जो पतली वाली होती हैं वो पसंद आ गई चूड़ियाँ, तो उनको आगे पीछे करके ना आप सेट कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ ये सारे, मैं सारी कोलैबोरेशन के हैं, कुछ इसमें से मैंने खरीदे भी हैं, तो बहुत ज़्यादा खरीदना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आप चाहो तो बजट में भी काम चला सकते हो, इनको इधर उधर करके मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो, तो ये भी बहुत सुंदर लगेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चूड़ा, जो कि है एक बहुत ही खूबसूरत सा चूड़ा। मतलब मेरे पास काफ़ी नए नए पैटर्न के चूड़े आपको मिल जाएंगे। तो ये है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा छोटे से बड़ा है, पीछे वाला सबसे बड़ा, आगे वाला सबसे छोटा, तो छोटे से बड़े क्रम में जो नहीं होते वो वाला है। वाओ 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 वाओ, ओके, लुक एट द ब्यूटी, ओह माय गॉड, हाँ दिस इज सो क्यूट, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है। इसको मैंने एक बार भी नहीं पहना और मैं ना इसको आप लोगों को दिखाना भी नहीं चाहती। मैंने सोचा था मैं तीज में पहनूंगी ना तो आप लोग देखोगे, बट मैंने सोचा क्या पता आप लोग कभी खरीदने का मन हो, तो इसलिए मैंने दिखा दिया, वरना मैं तीज में ये वाला लुक रिवील करती। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लुक एट द ब्यूटी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके मुझे ना ये वाले बहुत अच्छे लगे, ये जो ग्रीन रेड वाले ना, जिनके ऊपर गोल्डन मोती लगे हुए हैं, इतना सुंदर लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। इसको ना हाथ में पहन के दिल खुश हो जाएगा। पहन के दिखा दूँ मैं आपको, इसका ना ये चीज़ अच्छा है, ये सबसे बड़ा वाला सबसे पीछे जाएगा। साइज़ आपको बताना है आपके आगे वाले के हिसाब से, आगे वाला थोड़ा सा आप मेहनत करके एडजस्ट कर लेना, उसी के हिसाब से आपको साइज़ बताना है। और आप ना जिनसे भी लेना एक बार उनसे बात कर लेना, वो आपको एग्जैक्टली बता देंगे कैसे साइज़ चूज़ करना है। लुक एट दिस, वाओ दिस इज़ लुकिंग सो प्रिटी, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। आप डेफिनेटली ये वाला चूड़ा भी ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये वाला चूड़ा भी। एंड आप किसी को चाहो तो गिफ्ट भी कर सकते हो, इतना सुंदर चूड़ा है। तो फिर फटाफट से जाओ यार, देर क्यों कर रहे हो, फटाफट से खरीद लो। बहुत ही प्यारे प्यारे चूड़े हैं, और भी मेरे पास बहुत सारे चूड़े हैं, बट आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो, बहुत सारे चूड़े मैं एक साथ दिखा दूँ, आप कन्फ्यूज़ हो जाओ। सो इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट है ना इसका, वो भी जल्दी आएगा, क्योंकि ना एक साथ बहुत सारी चीज़ें दिखा दो तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। जस्ट लाइक मार्केट में भी हम जाते हैं, दुकान वाला बहुत सारी चीज़ें दिखाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लेना है। तो कम देखो, इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर लो, उसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें से भी कुछ सेलेक्ट कर लेना, तो इससे अच्छा है ना आपके पास एक अच्छा बैलेंस बच जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा चूड़े नहीं दिखाए हैं, थोड़े से दिखाए हैं जो कि लिमिटेड वन है, बट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। सो डू चेकआउट ये सारे चूड़े, इनका जो इंस्टा स्टोर, सारे इंस्टा स्टोर के ये सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। और दैट्स इट, मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस कैसे कराऊंगी मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि ये पिंक और ग्रीन है, ठीक है, जैसे ये वाला जो चूड़ा है, ये निकल रहा है, ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू, जैसे ये पिंक और ग्रीन है, ठीक है, इसको क्या इंट्रोड्यूस कराऊंगी मैं, पिंक और ग्रीन, आगे स्टोर का नाम। अब जैसे ये वाला चूड़ा है, ठीक है, इस चूड़े को मैं ग्रीन और रेड, ग्रीन रेड छोटा बड़ा, ग्रीन रेड छोटा बड़ा, इससे आप समझ जाना कि ये ग्रीन रेड छोटे बड़े वाले का लिंक है। और जो ये हैवी वाला दिखाया था कि जो तीजा वगैरह में आप पहन सकते हो, जिसमें ये झुमकी टाइप की लगी है ना, इसमें मैं लिख दूंगी झूमर वाला, झूमर कड़ा, झूमर कड़ा, ठीक है। तो ऐसे से करके ना मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दूंगी ताकि आप लोग को ईजी हो ढूंढना। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई जस्ट होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके, वो लोग भी सुंदर सुंदर से चूड़े खरीदे कजरी तीज के लिए, और भी फंक्शन आ रहे हैं रक्षाबंधन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। नए आइडियाज़ के साथ, क्रिएटिव चीज़ों के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।